सो ओके गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और किसी एक ऑटो में मैगी बैठा हुआ है, जल्दी ढूंढो, उससे मिलना है। मैगी गाइस मिल गया दोनों। और आज जो सीन था वो तुमने याश्वी लड़की देखी होगी, जो बहुत बोलती रहती है। पिछले दो तीन पाँच छः ब्लॉग पहले एक लड़की आई थी, उसका बर्थडे था, पर हमने जाना था 1 बजे, अभी बज गए 5। भाई भी खाना चल रहा है, तो ये गोलगप्पे खा रही है, इसके बाद देखते हैं चाहे बर्थडे पे ना जाए। 5 तो बज चुके हैं, क्या करा जाए। आओ भाई। So guys, अब देखो अब क्या सीन बनता है। अब हम बैठ गए गाड़ी में। टाइम दिखा भाई लैला। मैं तेरे को उस टाइम भी कह रहा था भाई। लैला भाई तू लेट आया, तेरे में अगर इतनी पंचुअलिटी होती तू पहले आ जाता। 4 बज रहे हैं और अगर हम पहुंचेंगे हमें 5 बज जाएंगे, 6 और 5 बजे डेडलाइन। ऐसे उठ के महाराज मंदिर चलेंगे। मंदिर तो जाना ही है और ऊपर से खाना पीना भी नहीं हो पाएगा उधर। ऐसे करवाना तूने वहां जाके। कैसे ऐसे? नहीं भाई, वो तो थर्सडे वगैरह में तोड़वा लेता था मैं, पर कभी ट्यूसडे में कभी नहीं तोड़ा। तोड़ना अबे तेरी बहन की गाड़ी ना तोड़ दियो तेरी बहन। सो गाइस, प्लान में एक छोटा सा चेंज आ गया है। मैगी कह रहा चलो चलो चलो, मैं भाई यहाँ पे जा रहा हूँ। अब फिर किसी ने बर्थडे पे बुलाया तो अच्छा नहीं लगता, हम जा ही रहे हैं। फिर वहाँ पे क्या सीन होता है तुम्हें मिलाते हैं। चल रहा है भाई फिर। गाइस चेक करो सामने मेरी फेवरेट कार, पर मेरी व्हाइट कलर में अच्छी लगती है मेरे को, इसमें नहीं। तो एक बार क्या हुआ था, मैं ऐसे जा रहा था कहीं गुड़गांव किसी काम से, और मैंने ईयर ड्रॉप आउट ले रखा था। फिर जब मैं तो उस दिन मैंने जैसे अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, या तो है नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है ना, ऐसे देखी। फिर मैंने कहा यार अपनी जिंदगी पे थू है अगर हम इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी कर पाए एक, तो तुम्हारा भाई बिल्डिंग खड़ी करेगा। कैसे करूँगा वो नहीं पता, बट करेंगे। शुरुआत कहाँ हुई है भाई? ओला डेवलपर्स। So guys, पूरी दुनिया के साथ उल्टा सीन होता है। टोपी पहनते हैं, बाल खराब होता है। भाई पूरे रास्ते टोपी पहन के आया ताकि बाल सेट हो जाए, इसीलिए इसको कहते हैं मैगी चूतिया। तो दिखाओ तेरी एक बार बाल दिखा। देखियो ये देखियो, बर्थडे पे आया तू। ले ले उधर से मुंह धो ले। हाथ रख दे लेना इधर, ये सेंसर ही नहीं चल रहा है। अबे चलेगा, हाथ तो रख। वाह हट, पागल लगा तू। क्या होता है तो गाइस, जो होता क्या है, जो हमारा नेचर होता है फनी लड़कों। बड़ी भैड़ी आई है। बोल कुछ, मेरा बर्थडे है, मुझे अच्छे से बोल कि मैं सुनना। ओके हैप्पी बर्थडे विश कर दो सारे। सो गाइस, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी पार्टी थी, कुछ बोलेंगे नहीं। किसी ने बर्थडे पे बुलाया, बाकी तुम समझदार हो, जैसे हम कोलैब कर देते ना कभी कोई टेढ़ा मेढ़ा, तुम समझ जाते हो। तो ये भी समझ जाओ, बहुत बढ़िया पार्टी थी। मैं दो चीजों के लिए आया था, एक अच्छा खाना होगा, एक अच्छी लड़की होगी, दोनों में से कुछ नहीं मिला, बट अच्छी पार्टी थी। सो गाइस अब टॉयलेट करने जा रहे हैं, वो देखो, और भाई के पीछे। ये क्या होगा? वो कह रही हो, कह रही है, कह रहा पता नहीं। वो आगे दो और खड़े हैं। अबे मत कर साले, यार देख दिल्ली से गुड़गांव लाके क्या कर रहा है। बर्थडे पार्टी में तो बंदी मिली नहीं। इनको इशारा कर देता हूं मैसेज के ऊपर, वो कर दे यार। काय वो हार्दिक? तो भाई जो ये आंटियां खड़ी होती है ना, मैंने पहले सीधा कैमरा उनकी तरफ करा नहीं था। आंटी अंकल तो ये डर गए थे देख के पहले कि ये वीडियो क्यों बना रहा है। तो मैंने एंड में कैमरा उनकी तरफ करके दिखाया था, क्योंकि हार्दिक वहां पे टॉयलेट करने जा रहा था, वो उसके पीछे पीछे जा रही थी। साला सुधर जाओ, ये ले। आज देखो कैसे धोते हैं गाइस। भाई हम यहाँ फंस गए हैं गुड़गांव में। साले अच्छा खासा मना कर रहा था ना बर्थडे पे, तेरी बहन की टांग मैं भी डाल दे सारी चीजें, इसको भी मना कर रहा था खाने के चक्कर में। भाई खाने भी क्या, मैं तो रेडी ट्यूसडे था भाई, इसको देख कह रहा मैं रेडी नहीं था पनीर खाने के चक्कर। हां वैसे सही बात है, ये तो सो के उठ के आ गया था। अरे सच बताइयो, इसने जब एंट्री ली तेरे को बड़ी गंदी शक्ल लग रही थी ना इसकी, बाल वगैरह खड़े, ये अभी भी खड़े हुए हैं देखियो। तो बैठ गए लोड़ा, मुझे बताया तुमने, बोला कि आ जा, मैं कहा आ जाओ भाई चलो। मैंने तेरे को बुलाया था कि बर्थडे पे जा रहे हैं, ये बोल के बुलाया था, उसके बाद मैंने किया था कि नहीं जा रहे। फिर उसके बाद अबे तेरे को बुलाने के बाद मैंने किया था साले। ओहो हो हो ओहो भाई, जा कंटेंट मिले लपेट लो। सो गाइस अगर आप इसकी तरह वेप पियोगे तो वेप तो खत्म होना हो, कुछ और खत्म हो जाएगा, छोड़ दो वो सब चीजें, ठीक है। बाकी यार तुम दोनों क्या पागल हो गया, कभी तो कुछ अपने पल रख लिया करो, व्लॉग अपने 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 बंदों के साथ ही अपने पल शेयर करते हैं भाई हम। बाकी अब आ गया सत्य निकेतन, तो यहाँ पे
दो बियर पैकेट चढ़ने के बाद बोलने लग जाता है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बन जाता है। अपना है जिम एनी टाइम, अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे चिल करेंगे, 12 बजे तक खुला होता है, कभी भी जाके जिम में कर लेंगे, और जब जिम खाली होगा तब बढ़िया वीडियो वगैरह भी बना लेंगे। इस टाइम कोई बंदे ऐसे आए होते हैं जिनको देख के वर्कआउट में कॉन्शियस हो जा रहा है आपका। क्या बोल रहे हैं भाई? मैं तो कुछ खा नहीं रहा, तो मैगी भाई आ गया कैफेटेरिया में, मैं तो शकरकंदी खाऊंगा बाहर से। मैं तो न्यूज़ पेपर रीड कर रहा हूं, देखो एक बाप का जोर तो दिखाया नहीं, तो खाना नहीं खा रहा। ठीक है, मैं नहीं खा रहा भाई। हां ठीक है, जिम जाना है ब्रदर्स। सो गाइस, कॉफी 5 टाइप की कॉफी बताओ जल्दी फटाफट। ब्लैक कॉफी, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, मैं बताता हूं भाई। ब्लैक एस्प्रेसो, कैपेचिनो, लाटे हो जाएगा, बिना आइसक्रीम के बना दो, एक स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है? शुगर बिल्कुल ना के बराबर कम, जितनी कॉफी डालते हो डबल कर देना, शुगर डाल दो आधी कर देना। भाई मैं बता रहा, एक कॉफी बना दो बिना आइसक्रीम के। अरे ग्रुप पे कुछ नहीं होता, जाओ कैनो, कैपेचिनो, ठीक है, लाटे, लाटे लाते ही लाते चिल टट्टे, कैफे मोचा, लाल टट्टे। आराम से बोल थोड़ा यार, वो देख बंदे बड़े डिस्कस कर रहे हैं भाई, एडिट क्या करना है, क्या तो पढ़ाई की, पढ़ाई की थोड़ा, बाकी बंदे पढ़ाई की डिस्कशन कर रहे हैं, अपने सेम सीट में रो में देख लेते। अच्छा, लड़के लड़के पढ़ाई की बातें करते हैं क्या? मैंने तो कभी नहीं किसी लड़के के साथ पढ़ाई की बात होता है, ना इन चीजों से लड़के रखे हुए साथ पढ़ाई वो क्या होती है, ग्रुप ट्यूशन जाते थे उक्का लगता था ग्रुप पढ़ाई होगी। वो कौन कह रहा था? वो अभी बनाऊंगा भाई, मेरा तो कुछ नहीं है भाई, इन्होंने जिम जाना था, ये प्री वर्कआउट मिल ले रहे हैं, अब भाई देख लो ये कितने इसका पैसे में भाई होगा, 20-25 को। चलो वो तो झूठ वाली बात हो गई, बट बाकी देख लो कि ये होती है असली डाइट। कुछ नहीं रखा भाई, चिकन राइस वगैरह में कुछ नहीं रखा, वो एक फेज होता है भाई। ये देखो भाई 32 इंच का डोला, ये स्टार्टिंग से इसका फेज ये है तो चली नहीं थी। तो भाई सबसे पहली बात, खाना पड़ रहा है वेज, क्योंकि आ जाए जय श्री राम। मंगलवार के दिन गलती से भी ये सब नहीं, और धीरे धीरे मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा बाकी दूध। नहीं भाई सही में पैसे नहीं, मैंने खुद से पेट टॉक करी थी, क्या कहते हैं पेट टॉक ना, ये मत बोल कि मैं छोड़ दूंगा। हाँ, बाकी अब बर्गर खाता हूँ, पनीर वाले पिज्जा में इतना मजा नहीं आया, क्योंकि पनीर पनीर का ज्यादा स्वाद आ रहा है ना, पूरा डेयरी प्रोडक्ट हो गया ऐसे लग रहा है। चेक कर लूंगा देश की बहन की डांट। ओए 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 ओए, हेलो लैला को हाथ में लगा दियो बहन की जूते की। अबे ओए बैठ अंदर, साले बताऊं तेरे को, बनाऊं चौधरी बाहर निकल, बाहर ओ लैला, सीरियस लड़ाई है क्लिक बेट के लिए। देखते हैं गाइस कौन पकड़ता है किसको। पर लैला इधर आना, मैं खड़ा हूं, डरता क्यों है, तेरी बहन की डांग इसकी। लैला आगे बैठ जा, चला चार्ज भी कर लो। हां बैठ। नहीं मैं नहीं बैठ रहा, बैठ भाई नहीं। अबे ले मैगी, मेरे को तो बैठा दे, मैंने क्या करा है उसकी बहन की। गाड़ी तेरी तेरी। अबे मेरे को तो बैठा ले। अबे मेरी बात सुन, हम बैठेंगे ही नहीं, अब जान दे इसको, बैठेंगे ही नहीं, ठंड लग रही है कि नहीं। चला फिर आगे बैठ जा। लेना पिछली बार हार्दिक मिला था, अपनी कंगी भूल गया था, तो आज हम कंगी लेके आए, इसको वापस करेंगे भाई। चाहिए चला दो उसको, क्यों नहीं चाहिए भाई। ओ भाई वो ऐसी जगह पे चले गए थे ना कि उसका अब कुछ है नहीं। कौन लेके गया था वैसी जगह पे? मत किया कर भाई, गिन्ने ऐसे हरकतें मत कर। बकरी की टट्टी तेरी बैठ की टांग लैला। तो गाइस कॉफी जो पी है ना, पता नहीं नींद आ रही है उसमें बहुत। अब क्या कर रहे, आर्म्स मारने आज, क्या सीन है भाई, चलेगा जिम? चलोगे तो सोच ले क्या काम करे हुए तूने। मैंने कुछ आज से आ रही, जैसे वो फर्स्ट डे नहीं आता शोल्डर, अरे यार भाई बैठ की। तो भाई
एक आराम ज्यादा मैगी तो जा चुका अपने घर, घर नहीं दोस्त के घर, और इतना आराम ही हमें कह रहा था। अरे भाई ऐसा यूटर्न लेना था यार। कोई नहीं, यहाँ उतरूंगा यहाँ उतरूंगा यहाँ उतरूंगा कर करके आगे से यूटर्न ले लेंगे। कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ और रास्ते मिल जाते हैं। ओ चल तेरी तो अब यहाँ से क्यों नहीं किया आगे से आगे बढ़ रहा जिंदगी में। आगे बढ़ते चलो जून से यूटर्न बस। अबे अभी हम है किस साइड भाई? ये वो वाली रोड है यार जो अंडरपास को जाती है। हाँ तो वहाँ से फ्लाईओवर आएगा ना वहाँ से। क्या कह रहा था मैगी तो भाई गाड़ी में करते करते सीधा उसको जहाँ उतरना था वहाँ उतर गया। बट अभी हमारे दिन के मेन पार्ट जो ट्यूसडे का मेन पार्ट होता है, एक जिम और दूसरा मंदिर, वो दोनों रहते हैं। तो वो दोनों जगह आपको लेके चलूंगा। अभी ठंडे पड़े रहो। अभी व्लॉग में मेन क्या कहते हैं उसको जो होता है क्रूशियल पार्ट, क्रूशियल पार्ट आना बाकी है। चलो गिने। सो गाइस घर पे एंट्री नहीं मिलेगी अगर इधर नहीं आएंगे तो। नींबू लेना भाई, नींबू दे दो 20 रुपए के, बढ़िया वाले देना। भाई दो बोले बस नींबू ला रहे ये दे दो। दो नींबू लेने के लिए 3 लोग। यही होता है, अभी भी हमारे घर वाले हमें वेले समझते हैं, इसलिए भाई साहब आना पड़ता है। छोटे मोटे काम दे देते हैं भाई। वो देख क्या लगा हुआ है, क्या कह रहा था पेटीएम। कितने हो गए भाई? सही सही लगा लो 20 के नींबू मांग। हेलो भाई, भाई के पापा गाड़ी खड़ी करके बैठे हैं रोड पे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगवा दिया करे मैंने। चलो भाई नींबू ले लिया, हम भी घर चले। ये अपनी गाड़ी भी टेढ़ी खड़ी है जो। येलो पकड़ो नींबू। कैसे मंगवा लिए? ऑनलाइन। तो मेरे को क्यों भेजा सब्जी मंडी? कोई देख लेता बेइज्जती हो जाती। सो गाइस अभी घर पे बैठा हुआ हूँ और 10 बज गया। अब मेरे को 11:30 बजे तक घर वापस भी आना है और दो मेन काम निपटाने हैं जो आपको बताए थे। बीच में लैला का फोन आ रहा है, रुको 2 मिनट। तो भाइयों अब क्या सीन है, अब 11:30 तक घर जाना है। एक तो 11 बजे की डेडलाइन थी, बजरंग बली के नाम पे आधा घंटे एक्स्ट्रा ले लिया है। अब जिम भी करना है, मंदिर भी जाना है, कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ देखो जो बाइसेप ट्राइसेप दोनों करने थे वो खाली बाइसेप कर लूंगा जिम जाके और मंदिर हुआ। इन केस अगर कोई एक चीज मेरे को छोड़नी पड़ी तो वो मैं जिम छोड़ूंगा, मंदिर नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि ट्यूसडे को मंदिर नहीं छोड़ूंगा भाई, बजरंग बली ने बहुत कुछ दिया। बजरंग बली को रोज शुक्रिया करने, अपनी शक्ल दिखाने हर ट्यूसडे जाना होता है जो भाई। और मेरी बात सुन तू पहले। क्या ये सारे जो तुम जो स्कूटी में घुमा रहे ना, 11 तारीख से स्कूटी में नहीं घूमेंगे हम। क्यों गाड़ी ले ली तूने वो बता दूं फिर तुझे? लैला ने बुक करा, थार किसकी थी बता दूं क्या? चलो बनी बता दी हर जगह मांगते रहना तुम गरीबो। हो गया कैची। कौन क्या हुआ? तो गाइस यहाँ पे हम जूस पीने आ गए थे क्योंकि कुणाल और वैभव बोरी थे यही पे थे, तो वो हमारे साथ मंदिर जाएंगे। मंदिर जितने बंदों को लेके जा सकते हो उतने बंदे साथ लेके जाया करो। बोलो जय श्री राम और पियो जूस। जय श्री राम भैया। ये मेरा आ जा गई। तो भाई फाइनली आ गए हैं, अभी चलो अंदर दर्शन कराते हैं। तो भाई दर्शन वगैरह हो गए और सब भाइयों से गुजारिश है कि जो भी होता है लाइफ में हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हो, चाहे एक दिन एक चीज़ छोड़ दो। जैसे मैंने आज जिम छोड़ दिया, पर मंदिर ज़रूर आना है क्योंकि जैसा होता है हम एक टीम में है। हमारी टीम हमारा धर्म है भाई। अब किसी टीम में आए हो तो उसको बताओ कि अच्छे से प्रमोट करो जैसे मैं कर रहा हूँ। जय श्री राम। चलो कचौड़ी खाइए, लेट्स गो। बोलते भी था भूल जा भूल गया बीच में। एक लाइन आ रही है, बोल दूं? बोल। आओ पास लाओ। तू पास चले जा। क्लब में जाके अच्छा है शैंपेन ना उड़ाओ, यहाँ पर आके कचौड़ी खाओ। ओहो हो। मैं तो कहता हूँ दोनों करो बैलेंस में। और लैला के थप्पड़ बजाओ। भाई वहाँ से बढ़िया कचौड़ी यहाँ की है, ये दिखा दे। और मैं तुझे क्या बोल रहा था, मैं तुझे क्या बोल रहा था, तुम कभी मेरी बात। यहाँ की ज्यादा बढ़िया। सो गाइस अभी हम जिम जा सकते हैं क्योंकि घर वालों ने फोन करने कर दिया बंद।
बट मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे, कोई कंधे पे बैठाए तो टॉयलेट करना नहीं स्टार्ट करते अभी, घर वालों को कंफर्टेबल करेंगे नहीं, घर वालों को कंफर्टेबल करेंगे 12 बजे की, अब 12 बजे आते हम डेली 12 बजे जाएंगे, फिर धीरे धीरे 12:30, फिर धीरे धीरे 1, फिर धीरे धीरे करते करते रात के 2 बजे, फिर धीरे धीरे वो 12:30 बजे के बाद तो सो ही जाते हैं, फिर पूछना ही बंद कर देंगे। तेरा सामान है कुछ? मेरा सामान सुख चैन रह गया उसकी गाड़ी में। अब चलते हैं ऊपर। ओए ये क्या है? तो भाइयों अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मैंने अपने ओट्स भिगो दिए, अपने क्या मतलब ओट्स भिगो दिए, और ये मैं अभी खा के सोऊंगा, मैं सोऊंगा 1:30 बजे तक, तब तक ये वीडियो एडिट करने जा रहा हूँ आधा घंटा, और आधा घंटा इंस्टा वगैरह चलाऊंगा, फिर 1:30 बजे ओट्स खाऊंगा, और जब खाऊंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि मैंने पिछले 7-8 दिन से ओट्स ऐड करे हैं डाइट में रात को सोने से पहले, और उसका कैसा मेरे को रिजल्ट दिख रहा है और इसका क्या फ़ायदा है। तो रुको, थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी, 3 बटन से